हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम कृष्ण कुमार। जैसा कि आपको पता है, वेलकम बैक इन आर के क्लासेस चैनल। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, क्लास नाइन्थ, मेट इन आर सराउंडिंग। उसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो आपको वन बाई वन ईच क्वेश्चन करवाया जाएगा यहाँ पर, विथ सोल्यूशन और समझा कर, ऐसे नहीं, ठीक है? तो आप देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। जस्ट ये एक्सरसाइज है, कुछ ही 15 से 20 मिनट में आपके पास ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। ये टू क्वेश्चन गिवन है, इन क्वेश्चन की हमें जो है वो कन्वर्जन करना है इनको। तो लास्ट हमने एक फॉर्मूला किया था, तो उस फॉर्मूले से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला लिख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 बाई 100। इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो सी इज इक्वल टू के माइनस 273, ठीक है? तो इससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग द सेल्सियस स्केल इनटू, सॉरी, सेल्सियस स्केल में ही कन्वर्ट करना है, और हमें कैल्विन में गिवन है। तो कैल्विन में अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है, तो वी नो दैट कैल्विन के साथ कभी डिग्री नहीं लगती। तो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है 300 केल्विन टेम्परेचर हमें गिवन है, उसको हमें सेल्सियस में बनाना है। तो जस्ट इसमें कुछ भी नहीं करना, के की वैल्यू हमें गिवन है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, हमें गिवन है जो, वो के इज इक्वल टू 300, और इक्वेशन हमारे पास क्या, सी इज इक्वल टू के माइनस 273। देयर फोर के की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, और 273 इसमें तो वैल्यू आ जाती है 27 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। इसी का सेकंड पार्ट अगर हम बात करें, तो जस्ट हमारे पास फिर से गिवन है के की वैल्यू, हमें गिवन है 573। देयर फोर सी इज इक्वल टू के माइनस 273। तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो के की वैल्यू इसके अंदर फिर से पुट कर देंगे, तो के की वैल्यू है 573 माइनस 273। तो यहाँ से इसमें से ये हम माइनस कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल, ये इससे अपोजिट हो गया। अब इसको हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है सेल्सियस से, तो हम इसको ही चेंज कर लेंगे। हमारे पास अगर हम यहाँ से के कैलकुलेट करते हैं, इधर जाके प्लस हो जाएगा, सी प्लस में 273। तो जब हमारे पास सी गिवन है, तो डिग्री साथ में गिवन आपको दिख रही है, के साथ डिग्री नहीं आती, के एस आई यूनिट होती है टेम्परेचर की, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं, उसका ए पार्ट यहाँ पर हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इसमें पुट करना है के इज इक्वल टू सी प्लस में 273। देयर फोर सी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस में यहाँ पर हमें 273 गिवन है। तो इसका हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, 298 केल्विन आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है, ठीक है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी कहते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट हम देखते हैं, सेकंड पार्ट बिल्कुल ईजी है, उसमें भी हमें गिवन है 373। तो 373 में हमें ऐड करना है 273, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। तो जो हमें सी गिवन है वो है 373 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हम के इज इक्वल टू सी प्लस 273 यहाँ पर लिखेंगे। देयर फोर 373 प्लस में 273 हम लिख लेंगे यहाँ पर, 373 प्लस में 273 इनको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर 646, और यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। इसकी जगह कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो सकती है, सी इज इक्वल टू चाहिए आपको 500 दे दे, कुछ भी दे दे, जैसे ही हमें सी की वैल्यू देगा तो सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और के की वैल्यू देता तो के की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ये हमारा जनरल फार्मूला था, और इसमें कुछ भी हमें नहीं करना। अगर एफ़ में सॉल्व करना होता तो हम इसको एफ़ में भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमारे पास जो थे टू क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिएगा। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, जो हमें ऑब्जर्व हुआ उनके रीजन हमें देने हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है, नेपथलीन बॉल डिस्पियर विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नेपथलीन बॉल होती है, ठीक है, तो इनको अगर हम नॉर्मली छोड़ दें तो रूम टेम्परेचर पे, या इनको हीट करें, तो ये क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से सीधा किस में चली जाती है, गैस में चली जाती है। डिस्पियर, गायब क्यों हो जाती है? जनरली आपने कपूर की गोलियां देखी होगी, जो कपड़ों में डालते हैं
उसमें कुछ नहीं रहता, जनरली आप डालते तो वो उड़ जाते, तो उसमें होता क्या है? तो आपको लिखना है आंसर जो है इसका, वो लिखना है नेफ्थलीन बॉल डिस्पियर विद टाइम सेम, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, बिकॉज बिकॉज होगा क्या, सॉलिड नेप्थलीन बॉल कन्वर्ट, नेप्थलीन बॉल्स कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो नेफ्थलीन बॉल जो हमारे पास वोलेटाइल होती है नेचर से, तो डायरेक्टली किससे, सॉलिड से हमारे पास डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चली जाती है विदाउट लीविंग एनी सॉलिड सब्सटेंस, ड्यू टू बिकॉज किसके कारण, ड्यू टू सबलिमेशन, और दिस इज ए वोलेटाइल कंपाउंड हम बोल सकते हैं, जो क्या होता है कि सीधा सॉलिड से किस में चला जाता है, गैस में चला जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आपको लिखना है। और सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सर्वल मीटर अवे, हम जब काफ़ी दूर बैठे होते हैं तो भी हमें परफ्यूम की स्मेल क्यों आती है, ड्यू टू डिफ्यूजन, जो गैस होती है वो फास्टली डिफ्यूज होती है। आपको क्या लिखना, पूरी लाइन कॉपी करके लिखना है, ड्यू टू डिफ्यूजन, सेम ऐसा ही लिख के पूरा का पूरा, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सर्वल मीटर अवे बिकॉज ड्यू टू डिफ्यूजन, ऐसा होता है डिफ्यूजन के कारण गैसेस आर फास्ट डिफ्यूज एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। दूसरा हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सॉलिड तो डिफ्यूज होता ही नहीं है जनरली जो है, बस वैसे ही कंपेयर करके बोलती है, जनरली हम लिक्विड से इसको कंपेयर करें, जो गैस है वो बहुत ज़्यादा फास्टली क्या होती है, डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू किसके, जो सॉलिड और लिक्विड है। तो ये डिफ्यूज होगी तो जब हम दूर तक बैठे तो हमें दूर तक स्मेल आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो फोर है वो क्या कहता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन समझना है, पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद ही हम आंसर बता पाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ें आपको दी गई है, सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना। तो वी ऑल्सो नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन शुगर क्रिस्टल बिकॉज इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, और वी ऑल्सो नो दैट द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसी स्टेट। तो हमें पहले से ही पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो ऑर्डर अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो शुगर सबसे पहले आएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, सेकेंड हमारे पास वाटर आएगा। वाटर क्या है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड दे आर फॉर, ये दूर होते हैं, बट एज कम्पेयर टू गैस दे आर नियरेस्ट और वी कैन से दैट क्लोजेस्ट, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। और हम कह सकते हैं कि फर्स्ट शुगर, सेकंड वाटर और थर्ड क्या है हमारा, ऑक्सीजन आएगा, बट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट ऑक्सीजन, देन वाटर और देन क्या आएगा, शुगर। हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिपेंड करती है वो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन पार्टिकल उस पर डिपेंड करती है। सॉलिड पार्टिकल आर वेरी क्लोज एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, देयरफॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन शुगर क्रिस्टल। आफ्टर दैट वाटर मॉलिक्यूल आर क्लोज एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो हमें यही लिखना है जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, ये मैंने आपको बता दिया। जो सॉलिड है उसमें जो फोर्स है ये आपके लिए लिखा होगा, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। और समझने के लिए मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन केस ऑफ गैस। वी नो दैट कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और गैस में सबसे कम होती है। उसका शुगर इज अ सॉलिड, शुगर जो हमारे पास सॉलिड में है, और वाटर जो है वो हमारे पास लिक्विड में है, और ऑक्सीजन जो है वो गैस में है।
तो वी ऑल्सो नो दैट ऑर्डर क्या रहेगा, ऑक्सीजन से हम किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा वाटर, और वाटर से ज़्यादा कौन होगा शुगर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो, बिल्कुल सॉलिड लिक्विड गैस देखना था आपको, जो आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे अब। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है वो हमें समझना है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, आपको वाटर दिया और फिर आपसे उसकी फिजिकल स्टेट पूछ रहा है कि मे बी सॉलिड लिक्विड और गैसीय स्टेट एग्जिस्ट, डिफरेंट टेम्परेचर आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इन तीन टेम्परेचर पे आपको वाटर के बारे में बताना है। वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज दैट पॉइंट देन लिक्विड एग्जिस्ट इन केस ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड बोथ स्टेट। तो जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, हमने पीछे जैसे कि चैप्टर में किया है, हमारे जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर थे उनमें आप देख सकते हैं। तो 0 डिग्री एक ऐसी स्टेट है जिसमें, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी हम कहेंगे, मतलब आइस से वाटर और वाटर से आइस दोनों ही बना सकते हैं हम। तो जो हमारा वाटर होता है वो बोथ केस में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड और लिक्विड। 25 डिग्री सेल्सियस वी नो दैट कि जो हमारे पास फर्स्ट हम ए लेते हैं, ए पॉइंट में हमारा जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट ही रहेगा, वाटर जो एग्जिस्ट करेगा लिक्विड में, बिकॉज दिस इज बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो इनके बीच में है, और हमें पता है 0 डिग्री पे सॉलिड हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस हो सकता है, बट उसके बीच में ऑलवेज लिक्विड ही रहता है। तो पहली स्टेट हमारी लिक्विड रहेगी। सेकेंड जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है 0 डिग्री पे, तो वी नो दैट यहाँ पे लिख लेते हैं, जो सेकेंड केस है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे, वी नो दैट सॉलिड और लिक्विड कोई भी एक स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है, दोनों एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री पे आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, और जैसे ही हम 0 पे आए तो 0 पे ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो बोथ, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, हम इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, इस चीज़ को आपको समझना है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। एंड 100 डिग्री सेल्सियस वी नो दैट दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या था यहाँ पर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर और मेल्टिंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ठीक है, लेकिन 0 डिग्री पे वाटर जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें सी की, सी पार्ट में हमें सीधा इतना ही लिखना है कि ये दोनों ही केस में एग्जिस्ट कर सकती है, लिक्विड और यूज़ करेंगे हम यहाँ पर गैस। ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है, इसके लिए भी आप यूज़ करोगे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर भी बन सकता है और बॉयल तो हो ही जाएगा, तो लिक्विड भी रहेगा और गैसीय स्टेट भी रहेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 and 5 हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हम देखते हैं गिव टू रीजन टू जस्टिफाई, हमें कम से कम दो दो रीजन देने हैं इन कंडीशन के। तो स्टूडेंट आप 9th क्लास में, तो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा जैसे ही हम 8th से 9th में आते हैं तो हमारी जो स्टडी है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, तो उसको इम्प्रूव हमें बना के रखना है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को हमें समझना होता है, उसके बाद हम आंसर उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, आंसर को इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें बुक टू बुक लिखना है, जनरली हमें समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या देखिए, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, हमें ये बताना है। अब जनरली तो लगता है कि नॉर्मल बंदे से हमें क्वेश्चन करते हैं, अगर हम साइंस के अलावा वैसे पूछे तो कहेगा क्या बेतुका सा सवाल पूछा गया, मतलब कोई पूछने वाली बात है, बचपन से हम वाटर को लिक्विड स्टेट में देखते हैं तो ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी साइंस क्या कहती है वो क्वेश्चन आप समझिए। तो साइंस कहती है वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है, तो एट अ रूम टेम्परेचर अगर हम वाटर की बात करें तो इट कैन बी फ्लो, टेंडेंसी रखता है ये फ्लो होने की, इट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो वाटर जो है उसके पास एक टेंडेंसी है फ्लो करने की, उसके बाद इट हैव नो फिक्स शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, हम किसी भी कंटेनर में इसको पुट करते हैं, मतलब पोर करते हैं तो ये उसकी शेप ले लेता है। दो से तीन रीजन आप दे सकते हैं कि पानी जो है हम उसको किसी बर्तन में डालते हैं तो ये उसकी शेप ले लेता है, बर्तन जैसा भी होगा, आपका बीकर है या फिर फ्लास्क है या फिर कैसा कैनोनिकल फ्लास्क है, किसी भी शेप का हमारे पास बर्तन है तो उसी में जैसे आप पानी डालोगे उसी शेप में हो जाएगा, मतलब इसकी शेप नहीं है, इनकी फिक्स शेप नहीं है, रिजिडिटी नहीं है इसके पास, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न हम देंगे कि इसके पास एक टेंडेंसी फ्लो करने की, तो दो रीज़न इनफ है। जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो वॉटर इज, अच्छा हम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो वही लाइन हमें रिपीट करनी है थोड़ा सा लेंथी करने के लिए कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज, आगे बिकॉज डाल के स्टार्ट करेंगे, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, इसकी टेंडेंसी है कि फ्लो कर सकता है। दूसरा हमें लिखना है इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट फिल्ड बट इट्स वॉल्यूम रिमेन
सेम। हाँ ये हमें पता है कि वाटर का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता बट शेप चेंज हो जाती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। बी क्या है? बी भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन की अलमीरा है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में क्यों होती है? हमारे घर में आपने जो भी चीज़ें देखी होंगी, कोई भी सॉलिड मान सकते हैं, टेबल, चेयर, अलमीरा, कोई भी, तो वो आपसे पूछा जाएगा भी ये सॉलिड क्यों है, तो फिर वही दिमाग में आती है कि तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बचपन से हम देखते हैं सॉलिड, लेकिन इसका रीज़न हमें देना है। अब सॉलिड क्यों है? सॉलिड इसलिए है क्योंकि जो पहली बात तो हमने जो अलमीरा को देखा वो उसी शेप में पहले थी, उसी शेप में है, मतलब उसकी जो शेप है वो सेम है, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम है। तो पहला कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये सेटिस। दूसरा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, रिजिडिटी है उसके पास, रिजिडिटी जो स्ट्रक्चर को बना के रखता है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमें लिखना है बस और कुछ नहीं, वही कंडीशन हम लगाएंगे दोबारा से। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज डाल के इट शेप एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट एंड इट हैज़ हार्ड एंड रिजिड, इट डेंसिटी इज वेरी हाई, भी आप कह सकते हो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी हाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद इसका आंसर देखते हैं क्या है। वाई इज आई सेट 273 केल्विन, वाई इज आई सेट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो आपसे पूछा गया है जब हम कूल करेंगे तो जो आइस है, दोनों आइस भी और वाटर भी दोनों को 273 डिग्री पे लेते हैं, 273 केल्विन पे लेते हैं, तो उसके बाद दोनों में से आइस कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों देते हैं? जनरली हमने पढ़ा अभी वाटर और जो आइस है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में दोनों ही 0 डिग्री पे होते हैं, तो फिर आइस को अगर हम हाथ पे रखें तो मोर कूलिंग इफेक्ट देती है और जो वाटर है वो कम कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी कि पानी हमें कम ठंडा लगता है, तो इसका कारण क्या है इसको हम समझते हैं। तो जनरली जो बुक हमें कहती है, यहाँ पर हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ते हैं और हमें जो अपनी नॉलेज उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है जो आइस होती है तो आइस के पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इसके हिसाब से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लो होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, जो वाटर है इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो। जो पार्टिकल है तो हम यही लाइन यूज़ कर सकते हैं, आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस पार्टिकल आर लोअर एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूलर पार्टिकल। ठीक है, पहला केस ये। दूसरा केस हमने पढ़ा 0 डिग्री यानी कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमने रखा है, तो लेटेंट हीट हम पढ़ेंगे। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि स्टेट को चेंज करना। तो जब हम आइस से लिक्विड जाते हैं तो जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब रैंडमली वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। देयरफॉर जैसे ही उसमें लेटेंट हीट बनेगी, मीनिंग कि जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख के जब वो आइस से लिक्विड जाएगा तो उसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी लिक्विड। तो मेन रीज़न हमारे पास ये है क्योंकि उसको हीट ऑफ फ्यूजन मिल जाएगी, लिखा हुआ है एडिशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हैंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव कूलिंग देन वाटर। मेनली आप रीजन देना काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास सेम इसी तरह का है। व्हाट प्रोड्यूस मोर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। एक तो आपके पास उबलता हुआ पानी है, ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर, एक उसकी जो स्टीम भाफ बनती है, तो हमें पता जो स्टीम सेंसेशन देगी वो बर्निंग इफेक्ट ज़्यादा देगी, जलन होगी उससे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बॉइलिंग वाटर वो इतना नहीं देगा। तो वही केस, जो स्टीम है उसके पार्टिकल एज कम्पेयर टू बॉइलिंग जो है पार्टिकल उससे बहुत दूर है, तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाइयर होगी स्टीम की। अब काइनेटिक एनर्जी अगर किसी चीज़ की हाइयर है तो पार्टिकल रैंडमली मूव करेंगे तो बर्निंग इफेक्ट वही देगी हमें। तो रीज़न वही है, हम यहाँ पर भी लेटेंट हीट यूज़ करेंगे क्योंकि वेपराइजेशन जब होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बर्निंग सेशन हमें मिलेगी। तो स्टीम कॉज मोर ऑफ बर्निंग देन बॉइलिंग वाटर, रीजन वही है, द रीजन इज द रिलीज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, इसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, मोर होगी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये बर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा देगी स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस चीज़ को आप समझ लीजिए।
क्वेश्चन जरूरी नहीं हम बिल्कुल इसी तरीके से लिखें, ये तो एनसीईआरटी है, जनरली आप अपनी थिंकिंग में भी लिख सकते हैं इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बट आपका जो कहने का मतलब है वही होना चाहिए, उसमें रीजन कुछ और ना निकले। ए बी सी डी ई एफ, ये आपको गिवन है, ए बी सी डी ई एफ, और आपको डायग्राम पे शो किए हुए हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस, रिवर्सिबल सिंबल दिखाए गए हैं यहाँ पर, तो हम मीनिंग सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड हम जा सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा सकते हैं, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आ सकते हैं। तो ये हम जनरली जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारे जो लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर जो हमने 4 से 5 लेक्चर बनाए हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो पहले हमें बताना ए, ए को क्या कहेंगे, तो जनरली इसके 2-3 नाम है। यहाँ पर हमने जो इसको हीट दिए, हीट ऑफ फ्यूजन आप इसको बोल सकते हो, उसके अलावा आप इसको मेल्टिंग बोलते हो, मेल्ट बोल सकते हो, मेल्टिंग, क्योंकि देखो सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे तो आइस मेल्ट होगी, ठीक है, या फिर हीट ऑफ फ्यूजन हम उसको देंगे। सेकंड गैस है, अब जब हम लिक्विड से गैस जाएंगे तो इसको वेपराइजेशन या वेपर फॉर्म बोल सकते हो आप, वेपर्स या वेपराइजेशन आप यूज़ कर सकते हो, प्रोसेस जो है हमारा वेपराइजेशन हमारा कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत यूज़ कर सकते हो आप, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस तभी बॉइलिंग यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम बॉइलिंग यूज़ नहीं करेंगे, इवेपोरेशन यूज़ कर लेंगे, ये बस ये आपको ध्यान देना है, इवेपोरेशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो बी रहेगा वो इवेपोरेशन रहेगा हमारा। अब सी पर आते हैं, तो जब हम गैस को लिक्विड में लाते हैं तो वी नो दैट हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, दोनों ही काम करने पड़ेंगे, देयरफॉर गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इसकी जगह हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब रेफ्रिजरेटर से हमने कुछ आइस क्यूब्स निकाली, किसी ग्लास के अंदर रखी, और जब उस ग्लास के अंदर हम रखते तो बाहर देखते वाटर वेपर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो है क्या, कंडेंसेशन हम इसको बोलेंगे। सी है तो इसको लिखेंगे कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम गैस को किस में चेंज कर लेते हैं, लिक्विड में चेंज कर लेते हैं, तो दिस इज कंडेंसेशन प्रोसेस, मीनिंग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना प्रेशर को इंक्रीज करके, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है हमारे पास, गैस को सबसे ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करते हैं, तो आपको पता ही है जनरली हम पानी लेके रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, जिसको फ्रीजर बोलते हैं, तो वो फ्रीज कर देता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पूरा लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप इसको कंडेंसेशन बोल सकते हैं, ठीक है, तो फ्रीजिंग आप यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा सॉलिड से हम किसके ऊपर जाएंगे, गैस के ऊपर जाएंगे, जब सॉलिड से हम गैस के ऊपर जाएंगे तो वी नो दैट दिस इज कॉल्ड सबलिमेशन। तो ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबलिमेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में विदाउट डूइंग एनी लिक्विड स्टेट, किसी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, लिक्विड स्टेट के बिना डायरेक्टली सॉलिड टू किस में जाइए, गैस में जाइए। इसका एग्जांपल है आपके पास नेप्थिलीन बॉल हो गई, अमोनियम क्लोराइड हो गए आपके पास, उसके बाद CO2 गैस, जो CO2 आइस होती है, ड्राई आइस, उससे हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गैस को किस में लेके आना, हमें सॉलिड में लेके आना है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सबलिमेशन, ये भी हमारे पास सबलिमेशन है, और हम गैस को सीधा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर हम CO2 गैस को प्रेशराइज करके, ठीक है, प्रेशराइज करके, तो अगर हम CO2 गैस को प्रेशराइज करें तो वो डायरेक्टली किस में, ड्राई आइस में बदल जाएगी, तो हम गैस को भी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड में। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था, एक्सरसाइज में था स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, 9th जो हमारी क्लास है, और चैप्टर हमारा फर्स्ट मैट्रिन आर सराउंडिंग। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू।